तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। टावर के अंदर ना कुछ यहां पे स्ट्रॉन्ग लोग यहां पे आ जाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग क्लास आ जाते हैं। इसके सिस्टम में भी लिख के आ जाता है केवल हाँ ये स्टेज के यहाँ पर है, यानी अब तक आपने जिसको भी यहाँ पे मारा उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे सामने यहाँ पर है। तो जो बंदे लोग थे ना उसमें से एक बंदा कहता है ओके, तो भाई फ्लेम जो है ना भाई फ्लेम डायनेस्टी वहाँ के प्रिंस और साथ ही में क्या नाम है जुओ सालीरा खेल के बच्चे पर तुझे तो मैं बिल्कुल यहाँ पे भूल सकता नहीं हूँ, तुम दोनों यहाँ पर आ गए हो। और सबसे कमाल की बात तुमने भाई हमारे जगह को यहाँ पे ढूंढ लिया जो कि भाई ढूंढ पाना नामुमकिन था, तुमने ढूंढ लिया, ये बहुत ही तुमने बड़ा काम किया। और सेकंडली हमारे बिना परमिशन का घुस भी आए, ये तुमने दूसरा सबसे बड़ा काम किया। और तीसरा घुसने के बाद ना हमारे बंदों को मारो, यानी भाई ये तीसरा बड़ा काम किया, बहुत ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर। ढूंढ भरी सामने से तुम बचोगे नहीं, लेकिन जो प्रिंस ना उसको जहाँ से यहाँ पे नहीं मारेंगे उसको भाई हम जिंदा यहाँ पे छोड़ेंगे, क्यों भाई आगे चल कर हमारे बहुत काम आएगा। और ये बात ये लड़की जो तेरे साथ तो पहले मजे करेंगे, बहुत ज़्यादा मजे करेंगे, बाद में तेरा सर काट के नाम एक लिंग हुआ नाम का एक बंदा है नॉर्थन एरिया में रहता है हमारे हेडक्वार्टर में उसके पास यहाँ पे भेजेंगे, क्योंकि भाई वो सामने से तुझे मरवा देके ना खुश हो जाएगा। जो सुंदर वो कहते भाई हराम जादो या दफा हो जाओ। सामने से हमारा टीएन कहता है कि ये जो बेसिकली इनका बिल्डिंग है ना, इनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ना ब्लैड मून टावर, उसका बस एक छोटा सा ब्रांच यहाँ पर है। इनके ढेर सारे ब्रांचेस हैं पूरी दुनिया में अलग अलग कोने में फैले हुए हैं। इनका जो मेन हेडक्वार्टर है ना वो अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर छुपा हुआ है, जिसके बारे में कुछ को भी आइडिया नहीं है। यानी साले भाई जितना आसान दिखते ना उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो सुंदर सामने से बंदा कहता है हमारे ढेर सारे ब्रांचेस है, हमारे एक बहुत ही बड़ा हेडक्वार्टर है जो कि तुम्हारी डायनेस्टी पे कब से नजर यहाँ पे रखे जा रहा है, कब से बर्बाद करने की सोचे जा रहा है। आज मैं भी देखना चाहता हूँ भाई किसमें ज़्यादा पावर है, मेरे जैसे ऐसे बंदे जिसके पास खाली इन्फॉर्मेशन है या तेरे जैसा बंदा जो कि प्रिंस है। तो सामने से हमारा मेकटर ने कुछ ऐसा अजीब सा साउंड यहाँ पर रिलीज करता है, और जो साउंड जैसे उनके कानों में जाता है उनको तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होना चालू होता है। चिल्लाते भाई अरे अरे महाराज हमसे गलती हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गया, हमारा कोई बुरा इरादा यहाँ पर नहीं है, प्लीज़ हमको छोड़ दो। सामने से जो सुंदर टीएन कहता है तुमको छोड़ दो, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गया है। यह सबसे पहली बात है ना मुझे पंगा लेने का शौक ही नहीं है, मुझे बस आराम से लेजी सी जिंदगी यहाँ पर जीना है जिसमें कोई भी आके मुझे परेशान ना करें। लेकिन तुम जैसे बंदे आते हो जबरदस्ती यहाँ पे उंगली करते हो, मुझे परेशान करते हो, पूरे मेरे डायनेस्टी को परेशान हो बर्बाद करने के बारे में सोचते हो, तुम जैसे बंदों को ऐसा कैसे मैं यहाँ पे छोड़ दूँ। ये लो इतना बोल के ना एक जोरदार अटैक करता है, और जो बंदा ये बातें कर रहे थे ना उस बंदे की मौत हो जाती है। उसको दूसरे जो साथी यहाँ पे थे ना वो भी हिल जाते कि बाप रे भाई ये आदमी है ये क्या, यह समझ ही नहीं आता। यहाँ तक जो जुओ थी ना भाई वो भी ऐसा हमला देकर डर जाती है और कांपने लग जाती है। तो ये भी कहता रहे मैडम अरे शांत हो जाओ भाई, इतनी भी कमजोर नहीं हो कि भाई छोटा सा अटैक देकर ना इतनी डर जाओ या कब जाओ, चलो भाई अगला एडवेंचर करना बाकी है। ये कहती अगला एडवेंचर, तो यार इनका जो मेन हेडक्वार्टर है क्या हेडक्वार्टर को भी तुम सामने से यहाँ पे बर्बाद करना चाहते हो क्या। जो सुंदर कहता ऑफ कोर्स भाई उसने बोला था ना जो हमारा हेडक्वार्टर है तुम्हारी डायनेस्टी पे नजर रखे जा रहा है, मेन हेडक्वार्टर ज़्यादा पावरफुल होता है, हेडक्वार्टर यहाँ पर है ना भाई, तो आज ना कल डायनेस्टी पे दिक्कत यहाँ पे देगा, इसलिए उसको खत्म करके एक बार में प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दो। ये भी कहती अच्छा ठीक है भाई अब सामने से जो बोलोगे वही यहाँ पे करेंगे। जो सुंदर टीएन कहता गुड, लेकिन सबसे पहले ये यहाँ का सब कुछ चेक कर लेते हैं, यहाँ के सारे बंदे को मार लेते हैं, एक बार यहाँ का मामला निपट जाएगा तब जाके इनके हेडक्वार्टर में यहाँ पे चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे चेक करते ना तो ढेर सारा भाई इनको सामान यहाँ पे दिखा देता है, सोने चांदी और कीमती टेजर आइटम जो कि सालों ने लूटा था। जो देखते सामने से वो कहती है जुओ के बाप इतना सारा सोना, तो अपने प्रिंस कहते व्हाट नॉनसेंस, क्या सोना वोना यहाँ पे की जा रही हो, हमने भाई इनका सोना वोना लेने के लिए नहीं, हाँ इन्होंने भाई मासूम लोग को मारने का प्लान बनाया है, पहले भी मासूम लोग को मारा था उसका बदला लेने के लिए आए थे। तो हमारे सामने जो सोना दिखा दे रहा ना ये सोना नहीं बल्कि बस मिट्टी और टट्टी के बराबर यहाँ पर है, लेकिन इतना बोल के ना खुद उठाने के लिए निकल जाता है। पीछे से जुओ कहती भाई अरे प्रिंस तुझसे क्या करे हो, ये कहता है अगर तुम ध्यान से सोचो इन सालों ने मुझे किडनैप किया था, मुझे तकलीफ दी थी, मुझे खाना भी खाने को यहाँ पर नहीं दिया था, यानी सालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, तकलीफ के बदले जो नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई करवा रहा हूँ। ये कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, कीजिए थोड़ा बहुत कर लीजिए। वो कहता है थोड़ा बहुत यार नहीं, ये लोग कमीने लोग थे भाई, महारानी को बर्बाद करने के बारे में, पूरे डायनेस्टी को बर्बाद करने के बारे में सोचे थे, डायनेस्टी का प्रिंस और साथ ही में महारानी का हस्बैंड होने के नाते मेरा फर्स्ट मन था कि हल्का सा इनसे फाइन वसूल कर लो, तो ये फाइन ले रहा हूँ। ये भी कहती नो प्रॉब्लम, जितना लेना ले लीजिए। सामने प्रिंस ये भी कहते कि भाई मैं आराम से एंजॉय कर रहा था, लेकिन इस सालों ने मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया कि आओ और आके अटैक करो बर्बाद करो, तो ये जो टाइम मेरा वेस्ट हो गया ना भाई अटैक करके बर्बाद करने में, वो टाइम की वसूली प्लस इनके हेडक्वार्टर पे जाकर उसको भी बर्बाद यहाँ पे करूँगा, उसमें भी टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, तो बदले में थोड़ा बहुत इनका सोना ले भी लूँगा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना है। वो कहती भाई मुझे क्या भाई दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको शायद आपसे यहाँ पे दिक्कत हो। उसके बाद ना एक टैलिस्मैन यहाँ पर है, और टैलिस्मैन निकाल के ना उसके बॉडी पे एक्टिवेट यहाँ पे करवा देता है, वो सामने से पहचान जाती है कि भाई ये तो टैलिस्मैन बड़ा कमाल का है,
60वें ग्रेड का टैलिस्मैन माना जाता है, बहुत ही ज्यादा कीमती यहाँ पर है। और आप ऐसा टैलिस्मैन मेरे ऊपर यहाँ पे यूज काहे को कर रहे हो भाई, आपको ये नहीं चाहिए था क्या? हाँ तो सामने से मैं कहता कहता कि सुनो यार, जो हेडक्वार्टर है ना, मैंने हेडक्वार्टर का लोकेशन यहाँ पे पता कर लिया, जो यहाँ से बहुत ही दूर है। अगर मैं आराम आराम से तुम्हारी स्पीड से गया ना तो भाई ना आने जाने में कल हो जाएगा, और रात का जो डिनर है ना, डिनर के टाइम पर घर पर पहुँच बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तो अपने तेजी का स्पीड से निकलूंगा लेकिन तुमको तकलीफ होने लग जाती है, लेकिन अगर तुमने ये टैलिस्मैन ले लिया तुमको तकलीफ नहीं होगा। समझ गई मेरी बाबू? समझ गई ना? जो सुन दो कहती, अच्छा तो अपने फायदे के लिए मेरे को फायदा यहाँ पे दे रहे थे। हाँ तो लोकेशन वोकेशन सेट हो जाता है, उसको वापस से उठाता अपने कंधे पे और लेके तेजी के स्पीड से निकल जाता है। तो जो लड़की जूत इन्हें स्टार्टिंग में तकलीफ नहीं होता लेकिन एंड में हल्का हल्का तकलीफ होना चालू हो जाता है। मनी मन सोचती, बाप रे भाई, प्रिंस का स्पीड इतना ज्यादा तेज है ना कि भाई सातवें गेट का टैलिस्मैन यूज करने के बाद भी मुझे हल्की हल्की सी तकलीफ हो रही है। अगर टैलिस्मैन यूज ना की रहती इस वक्त तो तकलीफ के चक्कर में वैसे भी मर जाती। और फाइनल जो हेडक्वार्टर यहाँ पे था ना, हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद ना टीएन कहता, अरे बाप रे भाई, इनका नाम है ब्लड मून टावर। सालों के भाई टावर के अंदर से पूरा ब्लड का स्मेल आ रहा है। तो सामने से ढेर सारे किलर आके ना इनको घेर लेते हैं और कहते हैं, सर तुम कौन हो जो कि बिना बताए भाई हमारा फॉर्मेशन तोड़ के अंदर यहाँ पे घुस आए हो? दो और इंपॉर्टेंट किलर यहाँ पर आते हैं जिसमें एक लड़का एक लड़की यहाँ पे थे, वो दोनों भी कहता, अच्छा भाई एक तो हमारे एरिया में बिना परमिशन के घुस आए और फॉर्मेशन भी हमारा यहाँ पे तोड़ दिया, गुड, लगता भाई तुम दोनों को ना मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। सामने से जुओ कहते, अरे बाप रे, इनके आसपास का जो और महसूस हो रहा ना, ये दोनों स्पेशली काफ़ी हाई लेवल के किलर्स यहाँ पर होंगे। उतने में ऊपर से आवाज़ यहाँ पर आती है जो मेन पूरा टावर है ना, टावर के लीडर का, ये कहते भाई मैं तो सोचूं भाई किस बंदे में इतनी हिम्मत यहाँ पर हो गया है जो कि दम ऐसा हमारे यहाँ एरिया में आ जाए। तो मालूम चले वो बंदा और कोई नहीं बल्कि एक तो भाई नल्ला प्रिंस और सेकेंडली जोंग ली हुआंग नाम की जो एक आदमी यहाँ पे था उसकी बेटी जिसका नाम है जुओ। वाओ, स्वागत है भाई तुम सबका यहाँ पे, स्वागत है। सामने से प्रिंस यहाँ पे कहता है, यार स्वागत, तुमने काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे किया, मैं नोटिस कर सकता हूँ आपका जो टावर है ना, आपके टावर को मेरा जो डायनेस्टी यहाँ पर ना, मेरे डायनेस्टी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो सुनते ओनर सामने से कहता है कि वेल या मेरा ना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका डायनेस्टी में, लेकिन अब आपको देखे ना मेरा इंटरेस्ट आपके अंदर यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं, नहीं गंदे वे में नहीं, अच्छे वे के अंदर। आप जैसा नल्ला प्रिंस जिसने भाई आराम से हमारा जो शील्ड यहाँ पे था फॉर्मेशन उसको तोड़ दिया और हमारे एरिया के बारे में पता यहाँ पे कर लिया, पक्का भी आपके पास ना कोई कमाल का टेजर आइटम होगा फ्लेम डायनेस्टी का, तो भाई वो टेजर आइटम हमको यहाँ पे चाहिए। सुनो मेरे साथियों भाई, अटैक यहाँ पे करो, जहाँ से मत मरना, हाँ जहाँ से यहाँ पे मत मरना, बस इसको यहाँ पे पकड़ लो, बाद में हम लोग पूछ लेंगे। रही बात उस लड़की का, तो लड़के से जो यहाँ पे करना है तुम लोग यहाँ पे करना। तो सारे ऐसे किलर अटैक करने को तैयार थे, तो दो जो लड़का लड़की आए थे ना आगे, उनमें से लड़का कहते ना, ना ना यार तुम में से किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये जो प्रिंस ना मेरा शिकार है, मैं इसके साथ यहाँ पे फाइट करूंगा, आ जा प्रिंस, दो हाथ हो जाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये फाइट यहाँ पे कैसा होता है, टावर वर्क करने में हमारे मेकर को कितना टाइम लगता है, जो कुछ ना आगे मालूम चल जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो हाँ, तो मुझे बताओ यार आपको पसंद आया कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। अगर पब्लिकली अच्छा यहाँ पे लगेगा तो मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ के मैं दूसरा स्टार्ट कर दूंगा। और क्या, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।